हेलो दोस्तों हमारी पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था कि साइन लैंग्वेज इंटरप्रटेशन और स्पोकन लैंग्वेज इंटरप्रटेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बाद हमने आपको साइन लैंग्वेज और साइन सिस्टम के बारे में भी बताया आज हम डिस्कस करेंगे डेफ कल्चर और हियरिंग कल्चर के बीच में डिफरेंसेस आइए शुरू करते हैं डेफ कल्चर की बात करें तो हमें समझना ज़रूरी है कि डेफ कम्युनिटी किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करती है तो डेफ कम्युनिटी जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करती है उसे हम साइन लैंग्वेज बोलते हैं जो कि एक विजुअल जेस्चरल लैंग्वेज है इसका अपना एक सिंटेक्स और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है वहीं अगर हम हियरिंग कल्चर की बात करें तो यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो स्पोकन लैंग्वेज यानी कि एक औरल औरल लैंग्वेज होती है ये अपने आप में एक यूनिक सिंटेक्स और स्ट्रक्चर लेके आती है अगर हम साइन लैंग्वेज की बात करें तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी रेजिडेंशल स्कूल्स डेफ कॉलेज डेफ क्लब्स और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पास की गई है और ये लैंग्वेज चर्च और दूसरे सोशल गैदरिंग्स के थ्रू प्रिजर्व की गई है अगर हम स्पोकन लैंग्वेज की बात करें तो वह भी पीढ़ी दर पीढ़ी फैमिली के थ्रू पास होती है और फैमिलीज़ के थ्रू ही प्रिजर्व भी की जाती है डेफ कल्चर में कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं उनके बॉडी हैंड्स आर्म्स हेड मूवमेंट्स पर और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस पर जो कि कॉन्शियसली डिसाइड किए जाते हैं कम्युनिकेट करने के लिए हेयरिंग और स्पीकिंग कल्चर्स में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कि बॉडी मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन मोस्टली सबकॉन्शियस होते हैं उम्मीद है कि आज की वीडियो से भी हम आपको डेफ कम्युनिटी के बारे में जरूरी इन्फॉर्मेशन दे पाए हैं आगे भी हम इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे इसी तरह देश में हो रही ताज़ा घटनाओं को आप तक साइन लैंग्वेज में पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें धन्यवाद